यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल एंड कृतिका सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अरमान मलिक भी दोनों पत्नियों के चलते लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहते हैं। फिलहाल तीनों लोग एक साथ बिग बॉस OTT3 में बतौर कंटेस्टेंट्स बनकर पहुंचे हैं। तीनों की लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग इनके बारे में काफी जानना भी चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 2.5 साल के अंदर अपनी करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। तो चलिए वीडियो में आपको बताएंगे इनकी लाइफ स्टोरी क्या है और साथ ही बताएंगे कि ये तीनों कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो दो शादियां कर दो पत्नियों के साथ रहने वाले अरमान मलिक ने अपनी कमाई और लाइफस्टाइल के बारे में हाल ही में कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। अरमान मलिक ने एक चैट शो में बताया कि वो कितनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि 2.5 साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। यूट्यूब से उन्होंने जमकर कमाई की है। एक शो में अरमान मलिक ने बताया था कि वो कभी मिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन इस वक्त वो 10 आलीशान फ्लैट्स के मालिक हैं। हैरानी की बात ये है कि उन्होंने इतना सब कुछ महज 2.5 साल में यूट्यूब के जरिए कमाया है। अरमान मलिक ने बताया कि इस समय वो करीब 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इस वक्त उनके पास 10 फ्लैट हैं, जिनमें से 4 में वो अपनी 2 पत्नियों और 4 बच्चों के साथ रहते हैं, बाकी 6 उन्होंने अपने साथ काम करने वाली टीम और स्टाफ को दे रखे हैं। उनके पास इस वक्त स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो, 6 एडिटर, 2 ड्राइवर, 4 PSU और 9 नौकरानियां हैं। बिग बॉस OTT3 के होस्ट अनिल कपूर ने जब उनसे पूछा कि वो इतनी करोड़ की संपत्ति किसके नाम पर है, तो अरमान मलिक ने सरेआम कहा कि जो भी उनके पास है वो दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के ही नाम है। अरमान मलिक ने शो के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में कहा कि मैंने अपनी पूरी संपत्ति अपने दोनों पत्नियों के नाम कर रखी है। आज मेरा जो भी है वो इन दोनों का ही है, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। वेल, शो में पति अरमान मलिक के इस बयान को सुनकर उनकी दोनों पत्नियां शॉक्ड हो जाती हैं। वो हैरान होकर पति अरमान मलिक को देखने लगती हैं। यूट्यूबर अरमान मलिक ने बताया कि कोरोना पैंडेमिक के वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर लॉकडाउन के समय उन्होंने टिकटॉक से 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू किया। इसके बाद वो धीरे धीरे कॉन्टेंट पर काम करते रहे और ये सारी कमाई उन्होंने यूट्यूब से सिर्फ 2.5 साल में की है। तो आज ये तीनों 200 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। वेल, अगर इनकी लव स्टोरी की बात करें तो अरमान की दोनों बीवियां यानी कि पायल एंड कृतिका बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। बाद में अरमान को कृतिका से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी की तस्वीरें अरमान और कृतिका पायल को भेजते हैं। पायल दोनों को छोड़कर अपने बेटे चीकू को लेकर घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद अरमान, कृतिका और पायल तीनों को ही रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। उसके बाद तीनों साथ मिलकर रहने का फैसला करते हैं और तब से ही ये ट्रायो साथ रह रहा है और आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अब बिग बॉस OTT3 में बतौर कंटेस्टेंट्स बनकर तीनों सामने आए हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को स्नैपचैट पर देख रहे हैं तो स्नैपचैट पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें।